गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम निगेश सक्षक, यूर मैथ्स टीचर. टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, चैप्टर नंबर 13. दिस इज द फिफ्थ वीडियो ऑफ दिस चैप्टर एंड इन फर्स्ट फोर वीडियोज वी विल डिस्कस हाउ विल फाइंड सरफेस एरिया एंड इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस वॉल्यूम. ओके, फर्स्ट व्हाट इज द वॉल्यूम? सॉलिड ऑब्जेक्ट्स ऑक्यूपाई स्पेस. जैसे दिस इज द सॉलिड ऑब्जेक्ट, है ना, एंड द मेजर ऑफ द ऑक्यूपाइड स्पेस इज कॉल्ड द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट. सबसे फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड, एंड दिस इज द डायग्राम ऑफ ए क्यूबॉइड. एंड व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड? दिस इज द एरिया ऑफ द प्लेन रीजन ऑक्यूपाइड बाय ईच रेक्टेंगल इनटू हाइट. ध्यान से देखिए, हमने जब सरफेस एरिया निकाला तब हमने डिस्कस किया था क्यूबॉइड कैसे बनेगा. हमने कुछ रेक्टेंगुलर शेप की कुछ सीड्स ली थी, जब हम उसे ऐसे कवर करेंगे देन काफ़ी सारी जब सीड्स को हम एक दूसरे के ऊपर कवर करेंगे देन वो क्या शेप ले लेंगे? क्यूबॉइड, क्योंकि उनकी क्या हो जाएगी? हाइट, है ना. अब देखिए क्या करना है हमें, एक सीट का, रेक्टेंगुलर सीट का एरिया निकालना है एंड हम मल्टीप्लाई करेंगे हाइट से, देन क्या निकल के आएगा? वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड. क्या करेंगे? बेस एरिया, बेस एरिया मीन्स जो नीचे वाली डिस्टेंस है वो, एंड एरिया कैसे निकलेगा? रेक्टेंगल का लेंथ इनटू ब्रेथ, एंड इन मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे? हाइट से. देन वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड क्या होगा आपके पास? एल इनटू बी इनटू एच, दिस इज एल बी एच. क्लियर है? नेक्स्ट इज वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब. क्यूब का एरिया कैसे निकालेंगे? सेम रहेगा, हमें सबसे पहले क्या निकालना है? देखिए, अगर हम ये वाला बॉक्स मानते हैं कि ये क्या है? नीचे वाला बॉक्स है ना, ये इसका क्या करेंगे? सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे एंड देन क्या करेंगे, या फिर अगर मैं देखो इस शेप में बनाती हूँ, यहाँ देखो, मान लो मैंने ये बनाया क्यूब का डायग्राम, देन हम इस डायग्राम में क्या करेंगे? जो सबसे नीचे वाली शेप रहेगी, कौन सी शेप? ये देखिए, ये वाला, ये क्या है आपका? बेस है. इसका एरिया लेंगे एंड देन क्या करेंगे आप? हाइट मल्टीप्लाई करेंगे. बट क्यूब में क्या होता है कि सभी साइड्स क्या होती है? ए. देन क्या रहेगा? एरिया निकलेगा आपका ए स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई करेंगे हाइट से, दिस इज ए क्यूब. क्लियर है? एंड साथ में यहाँ वॉल्यूम की यूनिट्स क्या होंगी? क्यूब. अगर सेंटीमीटर गिवन सेंटीमीटर क्यूब, मीटर गिवन है देन मीटर क्यूब. क्लियर है ना? सेम रहेगी क्यूबॉइड में, वॉल्यूम में क्या रहेगी? क्यूब. ओके, अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 13.5, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. चेक कीजिए एक्सरसाइज 13.5 एंड दिस इज द क्वेश्चन फर्स्ट. क्या कहा गया है? ए मैच बॉक्स 4 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर. व्हाट विल बी द वॉल्यूम ए पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस? देखिए, एक बॉक्स दिया गया है आपको, ठीक है, इस टाइप से एक बॉक्स है. आपको हर में एक डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, कोई नीड नहीं है कि आप हर एक क्वेश्चन में डायग्राम बनाएंगे. ये देखिए, अगर आप यह लेंगे कि आपको लेंथ दी गई है 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 2.5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम निकालने का? वॉल्यूम ऑफ ए मैच बॉक्स एल इंटू बी इंटू एच. क्लियर? एल इज 4 सेंटीमीटर, यहां आपको क्या दिया गया है? सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 2.5 एंड हाइट इज 1.5 सेंटीमीटर. मल्टीप्लाई करेंगे एंड द आंसर इज 15 सेंटीमीटर क्यूब. क्लियर है? वॉल्यूम क्या है आपके पास? 15 सेंटीमीटर क्यूब. बट नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या कहा? व्हाट विल बी द वॉल्यूम अ पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस? आपको क्या बताना है? एक बॉक्स है जिसमें इस टाइप की 12 मैच बॉक्स रखी गई है, आपको इसका वॉल्यूम बताना है. देखिए, एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम आपके पास 15 सेंटीमीटर क्यूब, देन आप 12 सच मैच बॉक्सेस का वॉल्यूम क्या रहेगा आपके पास? 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे. देखिए, एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम आपके पास 15, देन 12 का क्या आएगा बताइए? 12 इंटू 15, आंसर इज 180 सेंटीमीटर क्यूब.
इस कंप्लीट बॉक्स का क्या है आपके पास 180 सेंटीमीटर क्यूब. क्लियर है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड. एक क्यूबिकल वाटर टैंक है आपके पास इज 6 मीटर लॉन्ग. लेंथ क्या गिवन आपके पास 6 मीटर. 5 मीटर वाइड. ब्रेथ क्या है 5 मीटर. एंड डीप 4.5 मीटर. दैट इज हाइट इज 4.5 मीटर. देखिए अगर आपको कोई ऐसा डायग्राम दिया गया जिसमें डीप कितना गहरा है देन वो क्या है उसकी हाइट. ओके हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड. आपको क्या बताना है कि इसमें कितने लीटर वाटर होल्ड हो सकता है. कैसे निकालेंगे आप इसका वॉल्यूम निकालेंगे. ठीक है. एंड इसमें आपको हिंट दिया गया है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर. हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड. ठीक है. सबसे पहले क्या करना होगा आपको वॉल्यूम निकालना है. वॉल्यूम वाटर टैंक का फॉर्मूला क्या रहेगा एल इंटू बी इंटू एच. एल इज 6 सेंटीमीटर बी इज 5 सेंटीमीटर एंड एच सॉरी मीटर सेंटीमीटर नहीं मीटर. ठीक है. एंड जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 5 30 एंड 30 इंटू 4.5 क्या आएगा आपके पास आंसर 135 मीटर क्यूब. क्लियर है. आप देखिए ये मीटर क्यूब में आपके पास आंसर आया बट इसने क्या कहा है कि हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर. लीटर में बताना है आपको. हिंट मिला था आपको 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर. कैसे निकालेंगे 135 मीटर क्यूब है आपके पास देन मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से क्या आएगा आपके पास लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा 135000 लीटर. क्लियर है. हैंस टैंक कैन होल्ड 135000 लीटर्स ऑफ वाटर. नेक्स्ट देखिए. नेक्स्ट इज एक क्यूबोइडल वेसल इज 10 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर वाइड. लेकिन लेंथ गिवन है आपके पास 10 मीटर. ब्रेथ गिवन है आपके पास 8 मीटर. हाउ हाई मस्ट इट बी टू होल्ड 380 क्यूबिक मीटर्स ऑफ अ लिक्विड. ध्यान से देखिए इसने वॉल्यूम बता दिया है आपको. वॉल्यूम इज 380 मीटर क्यूब क्यूबिक मीटर. ठीक है. इसमें इतना लिक्विड आता है देन ये क्या बोल रहा है कि ये इसका वॉल्यूम है. जो आपके पास क्यूबोइडल बॉक्स है उसका क्या है ये वॉल्यूम है वेसल का. देन देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है एल इंटू बी इंटू एच है ना. वॉल्यूम आपके पास गिवन है 380 एल आपके पास गिवन है 10 एंड बी इज 8. एच निकाल सकते हैं. कैसे निकालेंगे 380 डिवाइड बाई 10 इंटू 8 इज इक्वल्स टू एच 10 एंड यहाँ से जब आप कैंसिल आउट करेंगे एच आपके पास क्या आएगी 4.75 मीटर. क्लियर है. एच इज 4.75 मीटर. क्लियर. अब नेक्स्ट देखिए. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए क्यूबोइडल पिट 8 मीटर लॉन्ग. क्या लेंथ दी गई है आपको 8 मीटर है ना एंड 6 मीटर ब्रॉड. इसका मतलब ब्रेथ क्या है आपके पास 6 मीटर एंड डीप 3 मीटर हाइट इज 3 मीटर एट द रेट ऑफ रुपीज 10 पर मीटर क्यूब. ध्यान से देखिए क्या करना होगा. सबसे पहले वॉल्यूम निकालेंगे बट रेट क्या दिया गया है 10 सॉरी रेट ऑफ रुपीज 30 पर मीटर क्यूब. 10 नहीं रुपीज 30 पर मीटर क्यूब. ठीक है. पर मीटर क्यूब गिवन है आपके पास. क्या करेंगे फर्स्ट वॉल्यूम निकालेंगे क्यूबोइडल पिट का. कैसे निकालेंगे वॉल्यूम इज एल इंटू बी इंटू एच. एल इज 8 मीटर बी इज 6 मीटर एंड एच इज 3 मीटर. कैलकुलेट करेंगे दिस इज 144 मीटर क्यूब. दिस इज द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबोइडल पिट एंड कॉस्ट ऑफ डिगिंग 1 मीटर क्यूब. कॉस्ट ऑफ डिगिंग
1 meter cube cuboidal pit is rupees 30. एंड आपके पास यहाँ कितने कितने मीटर क्यूब है वॉल्यूम 144 मीटर क्यूब. कैसे निकालेंगे 30 मल्टीप्लाई 144 दिस इज द आंसर. क्लियर है. अब नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट में क्या है. द कैपेसिटी ऑफ ए क्यूबोइडल टैंक इज 50,000 लीटर. कैपेसिटी क्या गिवन है. फिफ्थ क्वेश्चन द कैपेसिटी ऑफ ए क्यूबोइडल टैंक इज 50,000 लीटर्स ऑफ वाटर एंड फाइंड द ब्रेथ ऑफ द टैंक लेंथ एंड डेप्थ. हाइट आपको गिवन है. देखिए वॉल्यूम क्या गिवन है आपके पास 50,000 लीटर. क्लियर है. अब इसने क्या कहा है ब्रेथ आपको निकालनी है. लेंथ इज इक्वल्स टू 2.5 मीटर एंड हाइट इज इक्वल्स टू 10 मीटर. क्लियर है. अब ध्यान से देखो 1 meter क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर एंड अगर आपको लीटर गिवन है मीटर क्यूब में बनाना है देन क्या करेंगे 1 liter इज इक्वल्स टू 1 liter cube. अब ध्यान से देखो वॉल्यूम आपके पास गिवन है 50,000 लीटर बट मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तब आप क्या करेंगे 1 liter इज बोलो डिवाइड करेंगे मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 1 liter इज मीटर क्यूब. ध्यान से देखिए एंड 50,000 लीटर इज 50,000 डिवाइड बाई 1000 मीटर क्यूब. ये वाला क्वेश्चन समझ आया. अब अगर यहाँ तक क्लियर है देन ये आपका वॉल्यूम है एंड वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है L इंटू बी इंटू एच. एल इज 2.5 मीटर बी आपको फाइंड आउट करना है एंड एच इज 10 मीटर. ठीक है. जब हम इसे सोल्व करेंगे बी की वैल्यू आपके पास क्या आएगी यहाँ से 2 मीटर. बी इज 2 मीटर. क्लियर है. नेक्स्ट देखिए सिक्स्थ. अ विलेज हैविंग ए पॉपुलेशन ऑफ 4,000 रिक्वायर्स 150 लीटर्स ऑफ वाटर पर हेड पर डे. इट हैज ए टैंक मेजरिंग 20 मीटर बाई 15 मीटर बाई 6 मीटर फॉर हाउ मैनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट. क्या बताना है आपको बताइए क्या फाइंड आउट करेंगे आप लोग. आपको गिवन क्या है सबसे पहले क्या गिवन है आपको. देखिए जो टैंक आपके पास उसकी मेजरिंग गिवन है 20 मीटर 15 मीटर एंड 6 मीटर. सबसे पहले क्या करेंगे कैपेसिटी निकालेंगे है ना. कितने लीटर की आपके पास कैपेसिटी है. वॉल्यूम कैसे निकालते हैं आप बताइए. एल इंटू बी इंटू एच. एल क्या है आपके पास 20 बी क्या है आपके पास 15 एंड एच क्या है 6. यहाँ से क्या आंसर आएगा 1800 मीटर क्यूब. बट क्या दिया गया है आपको 150 लीटर रिक्वायर्ड है पर हेड. अगर आपको लीटर में चाहिए तो कैसे करेंगे 1800 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से क्या होगा लीटर में कन्वर्ट. दिस इज द वाटर जो आपके पास टैंक में है. ठीक है. अब देखिए वाटर रिक्वायर्ड बाई पर हेड पर डे कितना पानी चाहिए कितना रिक्वायर्ड है वाटर 150 लीटर है ना पर डे एंड पर हेड एंड पर्सन कितने हैं आपके पास 4000. वन पर्सन के लिए एंड पर डे 150 लीटर या 150 लीटर एंड 4000 पर्सन के लिए पर डे कितना आपको रिक्वायर्ड है 150 मल्टीप्लाई 4000 दिस इज 1, 2, 3, 4 एंड 5. ठीक है. दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर वन डे. ओके
water required by 4000 persons per day. This is 6 lakh liter. Clear है? But आपके पास answer क्या है? आपके पास water है कितना? इतने liter है ना? 18 lakh. अब ये बताइए आप कितने दिन चलेगा? देखो capacity of tank, number of days the water will last. Number of days कैसे निकालेंगे? Complete आपके पास water है ये. ठीक है, इतने liter आपके पास हैं and per day कितना यूज हो रहा है, कितना रिक्वायर्ड है? 6 लैक. क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, देन आपके पास आंसर क्या आएगा? 3. नंबर ऑफ डेज क्या है आपके पास? 3. क्लियर है? नेक्स्ट इज 7th. ए गोडाउन मेजर्स 40 मीटर, 25 मीटर एंड 15 मीटर. इसका मतलब क्या हुआ? कैपेसिटी या फिर वॉल्यूम बोलिए क्या रहेगी. एल इंटू बी इंटू एच. लेंथ इज 40 मीटर, ब्रेथ 25 मीटर एंड एच 15 मीटर. दिस इज द वॉल्यूम या फिर कैपेसिटी ऑफ ए क्यूबोइडल गोडाउन, 15,000 मीटर क्यूब. ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स ईच मेजरिंग 1.5 मीटर, 1.25 मीटर इंटू 0.5 मीटर दैट कैन बी स्टोर्ड इन द गोडाउन. ये आपके पास क्या है? वॉल्यूम. ठीक है, वॉल्यूम क्या है आपके पास क्यूबोइडल गोडाउन का? 15,000 मीटर क्यूब. ओके, एंड देखो क्या कहा है इसने, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स ईच मेजरिंग. आपके पास क्या गिवन है? एक क्रेट की क्या गिवन है? मेजरिंग गिवन है. तो आप एक क्रेट का वॉल्यूम निकालेंगे. कैसे निकालेंगे? एल इंटू बी इंटू एच. एंड दिस इज एल इज 1.5, ब्रेथ इज 1.25 एंड एच इज 0.5 मीटर. दिस इज द 0.9375 मीटर क्यूब. क्लियर है? देखिए वन का वॉल्यूम ये है, कंप्लीट स्पेस आपके पास ये है, देन कितने वुडन क्रेट आपके पास इस स्पेस में एडजस्ट हो सकते हैं? ठीक है, स्टोर हो सकते हैं. कैसे निकालेंगे? सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ गोडाउन, जब आपको नंबर निकालने हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रेट्स निकालने हैं, कैसे करेंगे? सबसे वॉल्यूम ऑफ गोडाउन को डिवाइड कर देंगे किससे? वॉल्यूम ऑफ क्रेट्स से. देन क्या आएगा आपके पास? यहां से आंसर निकल के आएगा. क्लियर है? नेक्स्ट करते हैं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8. ए सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर is cut into 8 cubes of equal volume. What will be the side of the new cube? Find the ratio between their surface areas. देखिए ध्यान से देखो क्या कहा गया है. A solid cube of side 12 centimeter is cut into 8 cubes of equal volume. Side क्या given है सबसे पहले तो cube की? 12 centimeter. ठीक है? 8 cubes of equal volume. What will be the side of the new cube? Find the ratio between their surface area. आपको सरफेस एरिया में क्या बताना है? देखो आपको वॉल्यूम इक्वल गिवन है एंड 8 क्यूब को डिवाइड बता रहा है कि 8 क्यूब में डिवाइड करेंगे, है ना? 8 क्यूब्स एंड इक्वल वॉल्यूम. क्या करेंगे हम? सबसे पहले अगर हमें साइड गिवन है, हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे. क्या आएगा वॉल्यूम? जो सबसे बड़ा क्यूब है उसका वॉल्यूम क्या आएगा आपके पास? 12 × 12 × 12, दिस इज 1728 सेंटीमीटर क्यूब. अब देखिए इसने क्या कहा है, आप 8 इक्वल क्यूब्स में डिवाइड करेंगे जिनका सबका क्या होगा? इक्वल वॉल्यूम. क्या करूंगी मैं? वॉल्यूम 1728 को किससे डिवाइड कर दूंगी? 8 से. देन क्या आएगा? ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब का वॉल्यूम आएगा, है ना? ये क्या था? बिग, जो बिगर क्यूब था उसका वॉल्यूम है. स्मॉलर क्यूब का कैसे आएगा? 8 से डिवाइड करेंगे. क्या कहा है? 8 के 8 जो क्यूब है उन सबका वॉल्यूम क्या है? इक्वल है. देन जब हम 8 से डिवाइड करेंगे आपके पास क्या आंसर आएगा? 216 सेंटीमीटर क्यूब. अब देखिए क्यूब का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? वॉल्यूम इज ए क्यूब. ठीक है, देन साइड कैसे आएगी आपके पास? साइड बोलो, साइड कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम इज ए क्यूब, है ना? एंड 216 आपके पास गिवन है, ए क्यूब या फिर साइड क्यूब मानिए. अब ये क्या है? 6 क्यूब इज इक्वल्स टू एस क्यूब. क्यूब से क्यूब कैंसिल आउट, साइड आपके पास क्या है यहाँ से? 6 सेंटीमीटर.
अब इसमें क्या कहा है आपके पास, इसने कहा फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरियाज, इसका सरफेस एरिया एंड इस साइड का सरफेस एरिया में आपको क्या बताना है, रेशियो बताना है। कैसे बताएंगे बताइए, फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरियाज, रेशियो बताइए। क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है, 6a² है ना। अब देखिए बिगर का मैंने क्या लिया है, बिग कैपिटल ए, एंड स्मॉल का क्या लूंगी मैं, 6a² ठीक है। अब देखिए 6 से 6 कैंसिल आउट, एंड ए क्या है यहाँ पे 12 स्केयर, एंड यहाँ ए क्या है आपके पास है साइड लिखिए ए क्या 6 स्केयर, क्लियर है। यहाँ से आपके पास आएगा 144/36, दिस इज 4/1 एंड रेशियो इज 4:1, दिस इज द रिक्वायर्ड रेशियो। सरफेस एरिया का रेशियो क्या रहेगा बिगर एंड स्मॉल का, 4:1, क्लियर है।